प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हसनगंज थाने के अंतर्गत चल रहा है अवैध पानी का आरओ प्लांट। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं थम पा रहा है कालाबाजारी। सूत्रों की जानकारी मिलने पर केपीपीएन न्यूज की टीम पहुंचती है तो फैक्ट्री के संचालक अब्दुल हलीम द्वारा बताया जाता है कि हमारे पास ना तो कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई फूड सेफ्टी विभाग का रजिस्ट्रेशन, ना ही कोई लेबर रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई वाटर टेस्टिंग लैब। पूरी अवैध तरीके से चल रहा है आरओ प्लांट। अवैध तरीके से कर रहे हैं पानी की सप्लाई, जो कि खदरा हॉस्पिटल बाग शाजीबाग खदरा पक्का पुल के पास है। वाटर आरओ प्लांट का करा रहे संचालक द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी कागजात नहीं है, हमारे पास अवैध तरीके से चला रहा है वाटर आरओ प्लांट। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही होंगी बिना लाइसेंस, बिना जीएसटी के लगा रही आयकर विभाग तथा विद्युत विभाग को लाखों का चूना। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी अवैध तरीके से पानी प्लांट चलाने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मेरा अब्दुल हलीम नाम है। मेरा इसका जो है लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई, मुझे मालूम नहीं था रजिस्ट्रेशन, लेबर रजिस्ट्रेशन का मैं किया नहीं हूँ। फूड सेफ्टी विभाग का लाइसेंस है? किसका? फूड सेफ्टी विभाग का लाइसेंस है? फूड सेफ्टी विभाग का लाइसेंस नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं है। जीएसटी लगा के आप देते हैं? भाई मेरे इतनी सेल नहीं है, मैं जीएसटी कहाँ से लगाऊंगा। जीएसटी में भाई जब सेल रहेगी उतनी जब इस जीएसटी लगती है, उससे पहले जीएसटी नहीं लगती है। अब 60-70 बाटल में जीएसटी क्या लगेगी हमको बताइए, अगर कोई लगाया है तो बताइए। और इसके लिए मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कि कोई भी पूरे लखनऊ में अगर आप पानी आप ऐसा चेक करके बता दीजिए तो हम बताएं आपको। वाटर टेस्टिंग लैब है? वाटर टेस्टिंग लैब है ना मेरे पास, है टीसीएस का है, सब कुछ है मेरे पास इस चीज़ का। और कहीं पर भी कोई गारंटी अगर कोई निकाल दे तो वो कर ले।